ने यहाँ पर बोला कि प्रतिवर्ष नवरात्र में नंगे पांव उपवास करता हूँ, जो इस वर्ष भी है, ऐसे में आना संभव सा प्रतीत नहीं हो पा रहा है। शायद यह जकड़न है, एकदम से पुराने विचारों और संस्कारों की जकड़न से मुक्त हो पाना संभव सा प्रतीत नहीं हो पा रहा है। मुझे सबसे पहले तो आपने ये सब लिखा मेरे को, और आप प्रतिवर्ष जो करते आ रहे हैं वो करते आएंगे, जीवन भर करते रहेंगे, उससे कोई बहुत विशेष प्रभाव तो होने वाला नहीं है। और मैं दूसरों के विचारों से प्रभावित होके मैं जो वास्तविक मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं छोड़ूंगा कि आप किसी भी दरवाजे से भाग पाए। वो ऐसा गुफा प्रवेश है कि आप घुस गए तो आप निकलेंगे जरूर दूसरे रास्ते पर। मैं ऐसे किसी भी कमरे में, ऐसे किसी भी महल में, ऐसी किसी भी भूल भुलैया में आपको नहीं ले जा पाऊँगा कि हर रास्ते से घुस के आपको चार दरवाजे और खिड़कियाँ मिल जाएं कि आप किसी भी दरवाजे का बहाना बना के आप निकल पाएं। मेरा जो नवरात्रों में इस शिविर को रखने का प्रयास था वो यही था कि जो वास्तविक प्यासे हैं, जो वास्तविक परम तत्व की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उनकी गहराइयों में खोना चाहते हैं, उस परम के प्यासे मैं ढूंढ पाऊं। और सामान्य दिनों में मैं आवाहन कर दूं तो भीड़ आ जाती है, और अक्सर आ जाती है, लेकिन उन दिनों जब परिस्थिति आपके बिल्कुल विपरीत हो, जब आपके संस्कारों ने पकड़ के रखा हो और कस के पकड़ ले, जब मैं कहूँ कि नवरात्रों में आपको ध्यान करना है 2 दिन, नंगे पैर नहीं रहना है, मसाला गुटखा नहीं खाना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, तो ऐसे मौके पे जब आपके संस्कारों ने पकड़ा हुआ हो और उस समय कोई आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दे कि यात्रा भीतर की है बाहर की नहीं, जो भगवती बाहर आप पूजते हैं, जो दिया आप बाहर जला देते हैं, जिसकी प्रसन्नता के लिए, जिसकी कृपा प्राप्ति के लिए आप बाहर लगे रहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई आपको कह रहा हो ऐसे मौके पर, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है आपके संस्कार और कस के पकड़ लेंगे। और जो जो इस नवरात्रि में नहीं आ पा रहे हैं और जिन जिन का बहाना है कि नवरात्रि है, नंगे पैर नहीं, गुटखा मसाला तो खाना ही होता है व्रत के दिन, या घर में कोई नहीं है, अखंड ज्योत कौन संभालेगा, ये सारे बहाने जितने भी करने वाले लोग हैं वो उनको आगे आने वाले शहरों में प्रवेश नहीं दे पाऊंगा। इनको मैं तभी प्रवेश दे पाऊंगा जब फिर से नवरात्रि आएगी और फिर से मेरा शिविर होगा। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में आपको अपने संस्कार तोड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, आप तो सामान्य तरीके से चले आएंगे, और मेरा कोई सामान्य तरीका है नहीं, रास्ता कठिन है कपिल जी, और चलना भी आप ही को होगा, हिम्मत भी आपको करनी होगी। मैं सिर्फ आपको इशारा मात्र दे पाऊंगा, अगर आप पकड़ के चल पाएंगे तो बहुत उत्तम है, नहीं चल पाएंगे तो भी बहुत उत्तम है। मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे 5 से 10 लोग चाहिए, और बड़े आसानी से 5 से 10 लोग मेरे पास हो रहे हैं।
के जितने भी हैं जो हल्की हल्की लौज जलाना चाहते हैं, उसी में ही प्रसन्न हैं, उनके लिए बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे टीवी चैनल हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो हर जगह उपलब्ध हैं, वो ध्यान उस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे साथ जो चलेगा वो वही चल पाएगा जो मेरे साथ चल पाएगा, और मेरी स्पीड, मेरी गति, मेरी गहराई इतनी है कि मैं किसी और के लिए रुकूंगा नहीं। ना तो मैं उठाने आऊँगा, ना तो मैं जगाने आऊँगा। आपको मेरी आंधी से आभास हो जाए यहाँ अग्नि है, इसकी आंधी में हम भी चल लेंगे, तो बिल्कुल स्वागत है।